क्लास सेवन के स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग को मैं सेल्फ प्रैक्टिस 2E पढ़ाया हूं। इसके बाद आज आपको मैं सेल्फ प्रैक्टिस 2A पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं कुछ आपको रूल दे रहा हूं, इस रूल पर आपको ध्यान देना है। बोर्ड मास, इसके बारे में जानिए कि बोर्ड मास क्या है। बी यानी ब्रैकेट, बी यानी आप ब्रैकेट कहेंगे। ओ मीन्स ऑफ, डी मीन्स डिवीजन, ए मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ए मीन्स एडिशन और लास्ट आपका एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। ध्यान दीजिए बोर्ड मास का मतलब क्या है। सबसे पहले आप फर्स्ट में ब्रैकेट का काम करेंगे, क्वेश्चन आएंगे तो। सेकंड में आप ऑफ का काम करेंगे, इसके बाद डिवीजन का काम करेंगे, एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे, एम मीन्स एडिशन का काम करेंगे और एस मीन्स सब्ट्रैक्शन, अंत में सब्ट्रैक्शन का काम होता है। आप ये भी ध्यान दीजिए, आपको एक मिलेगा ऐसा लाइन, इसको कहते हैं बार, ध्यान रखना है आपको। या इसको भी कॉलम भी कहते हैं, इसको भिन्न कॉलम या इसको भिन्न कॉलम भी कहते हैं। ये जो होता है आपका, जिसको कि स्मॉल ब्रैकेट करते हैं कहते हैं, इसको पेरेंथेसिस भी कहते हैं, पेरेंथेसिस भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपका ऐसा ब्रैकेट आता है, इसको कर्ली ब्रैकेट या प्योर ब्रैकेट भी कहते हैं। क्या? इसको कर्ली ब्रैकेट या फ्लोर ब्रैकेट भी कहते हैं। यह आपको याद करना है यह क्या कहते हैं। और लास्ट होता है आपका बिग ब्रैकेट, जिसको कि स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर से शुरू से एक बार ध्यान से देखेंगे कि सबका क्या नाम है, कैसे वर्क करता है। तो बोर्ड मास यानी बी ब्रैकेट, ओ ऑफ डी डिवीजन, ए मल्टीप्लीकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट में आप ब्रैकेट का काम करेंगे, सेकंड में ऑफ का, थर्ड नंबर पर डिवीजन, फोर्थ नंबर पर मल्टीप्लीकेशन का, फिफ्थ नंबर पर एडिशन और सिक्स नंबर पर सब्ट्रैक्शन का करते हैं वर्क। इसके बाद आपको ये जिस एक लाइन दिखाई देगा, जैसे कि 5-2 और ऊपर में ये लाइन, इसको बार कहते हैं या भिन्न कूलन भी कहते हैं। इसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट यानी पेरेंथेसिस कहते हैं या स्मॉल ब्रैकेट, ये आपका कर्ली ब्रैकेट कहलाएगा या फ्लोर ब्रैकेट भी कहलाएगा, और लास्ट में आपका स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट के भी नाम से जानते हैं। अब स्टार्ट करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस 2F। 2F क्या कह रहा है, अपना से दोस्त होता है,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस योर आंसर्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, करके आपको सरल भी करना है, साथ में संक्षिप्त रूप में आंसर लिखना है एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी। देखिए फर्स्ट का ए आपका है वन होल वन अपॉन फोर इंटू टू बाई थ्री डिवाइडेड बाई वन बाई सिक्स। वन अपॉन वन बाई फोर इंटू टू बाई थ्री डिवाइडेड बाई वन बाई सिक्स। तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम करेंगे, देखेंगे इसमें ब्रैकेट है ही नहीं। ऑफ का काम करेंगे, ऑफ भी नहीं है। इसके बाद डिवीजन देखेंगे तो डिवीजन है यहां पर, तब पहले इसका काम होगा। लेकिन इससे पहले पूर्णांक तोड़कर लिख लेंगे। फोर वन जा फोर और वन फाइव, फाइव बाई फोर आई इंटू टू बाई थ्री डिवाइडेड बाई वन बाई सिक्स। फोर वन जा फोर वन फाइव, फाइव बाई फोर इंटू टू बाई थ्री डिवाइडेड बाई वन बाई सिक्स, फाइव बाई फोर इंटू टू बाई थ्री। ये जैसे सेम है वैसे उतारेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इंटू सिक्स बाई वन हो जाएगा। जैसे डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट होता है, उसका राइट साइड का फर्स्ट रेशनल नंबर जो भी हो और आपका न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर में बदल जाता है। इस प्रकार थ्री का टेबल टू बार में सिक्स, टू का टेबल से यह फोर टू बार में, और यह टू से टू वन बार में, वन से वन कैंसिल हो गया। इस प्रकार आपका हो गया फाइव, ये आपका आंसर हो गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की तो कोई इसमें आवश्यकता ही नहीं है। अब इसी में एक क्वेश्चन थोड़ा टॉप देखेंगे, तो टॉप क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा यानी हार्ड। जी नंबर, लेकिन रियल में कोई क्वेश्चन टॉप नहीं होता है, आप बनाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन दिन प्रतिदिन हल्का ही होते जाएगा। जिस चीज को बनाएंगे वो चीज बनते जाएगा। एक दिन परेशानी होगी, दो दिन परेशानी होगी, कुछ दिन के बाद वो हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा और सिंपल रूप से बनने लगेगा, कोई टेंशन नहीं होगी। आपका दिया हुआ है वन होल वन अपॉन फोर इंटू सेवन डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट है 12 होल 7 अपॉन 12 माइनस 11 होल 1 बाई थ्री। क्वेश्चन यही है, एक बार मिला लेंगे। 1 होल 1 बाई फोर इंटू सेवन डिवाइडेड बाई 12 होल 7 बाई 12 माइनस 11 होल 1 बाई थ्री। तो पहले तो आप पूर्णांक तोड़ेंगे। 4 1 जा 4 1 5, 5 बाई 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, और 144 में 7 प्लस कर देंगे तो 151 बाय में 12 माइनस 11 का टेबल 3 पढ़ेंगे 33, और 33 में 1 प्लस करेंगे 34 बाय में 3। यहां देखेंगे 5 बाय 4 इंटू 7 लिख देंगे डिवाइड का साइन। पहले ब्रैकेट कवर करेंगे, 12 का 3 का एलसीएम 12, 12 का टेबल में 1 बार में, और 1 का टेबल 151 माइनस 3 का टेबल में 12 4 बार में, अब 4 के टेबल से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 4 जो 16 कैरी 1, 4 3 जो 12 और 1 13, 4 4 जो 16 का 6 कैरी 1, 4 3 जो 12 1 13, 136। यहाँ 5 बाई 4 लिखेंगे आई इंटू 7 डिवाइडेड बाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1, और 1 में से 1 जाएगा 0 बाई में 12। यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 बाई 5 बाई 4 इंटू 7, यह ब्रैकेट हटेगा तो आपका 15 बाई 12 हो गया। यहाँ पर 5 बाई 4 I into 7, I into 12 by 15 हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि आपका आ गया 5 by 4
आई इंटू सेवन, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन, 15/12। मैं देखूंगा पढ़ने लायक है कि नहीं। तो देख रहा हूं कि आपका 5735 आई इंटू 15 बाई में 12 4 48। अब ये देख लेंगे 3 का टेबल में ये 5 बार में है और 3 का टेबल से ये आपका चला जाएगा 16 बार में। यहां पे हो गया 5 5 25 2, अब 5 3 15 और 2 17 बाई 16। और इसके बाद पूर्णांक तोड़ देंगे 16 से 175 में 1 बार में 16 1 ऊपर से चढ़ गया 5 नहीं जाएगा 0। 10 होल 15 बाई 16 और आपका ये आंसर हो गया। मैं देख रहा हूं यहाँ 12/15 है आपका और वहां 15/12 लिख दिए है, यहां पर इस प्रकार यह रॉन्ग हुआ है, यहाँ 12/15 होगा। इसके बाद आप कटाएंगे फोर के टेबल में ये आपका 3 बार में जाएगा और 5 से ये 3 बार में आएगा, 3 3 1 बार में कैंसिल, 1 का टेबल सेम पर पढ़ेंगे आंसर आपका 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ 12/15 है, वहां 15/12 लिख दिए थे, इसी वजह से रॉन्ग हो रहा था, तो आप 12/15 लिखेंगे यानी 5/4 इंटू 7 इंटू 12/15। 4 के टेबल से 12 आपका 3 बार में गया, 5 के टेबल से 15 आपका 3 बार में गया, 3 से 3 1 बार में गया और 7 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे आपका 7 आंसर हो गया। इस प्रकार फर्स्ट का जी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। तब तक आप लोग घर पर बैठ करके सेल्फ प्रैक्टिस 2F बनाते रहिए। थैंक यू।